क्या क्या है, बैटरी जो लगाने के लिए आता है याद नहीं आ रहा था। तो 4-5-6 कंपनियां हैं जिसके बैटरी आपको मिलते हैं। तो जब भी बैटरी लगाने के लिए आपको मिला, इंस्टॉल करने के लिए मिला, फर्स्ट प्रीफरेंस देना है जो भी मैन्युफैक्चरर की बैटरी लगा रहे हैं। अगर उसका डब्बे में उसका मैनुअल दिया हुआ है तो वो जैसा कह रहा है वैसा बनाइए। एक्चुअली क्या होती है ना, सबका अपना अपना तरीका है, अपना एक कंस्ट्रक्शन है, अपनी एक R&D टीम है, तो उस हिसाब से डिजाइन करती। बट अगर कुछ नहीं है तो देन यू फॉलो योर IRSEM, जो बैटरी मेंटेनेंस, बैटरी डिस्चार्जिंग, चार्जिंग की तरीका दिया हुआ है IRSEM में, उसको फॉलो कर सकते हैं। नॉर्मली आपके रूम टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मैक्सिमम 1240 तक जा सकती है, इसके अधिक जाने की संभावना नहीं है या नहीं ले जाना है। अगर जा रहा है तो फिर उसको कोल्ड होने देना है, ठंडा होने देना है, ठीक है। और जो बैटरी होती है ना, बैटरी में दो टाइप की रेजिस्टेंस होती है, ये भी फिर 9th क्लास की चीज हो गई। मैंने पिछले दिन भी बता रहा था आपको कि आपका जो बैटरी है, यानी कि ये जो सेल है, सेल के अंदर प्लेट के बीच, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट में जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, आइदर सोल्यूशन है कंडक्टिविटी के लिए, जो भी है, उसके बीच में भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जिसको हम आर बोलते हैं। तो आर मिनिमम होना चाहिए एक आइडियल बैटरी का, यानी एक जो गुड बैटरी है, अच्छा बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये जो मिनिमम होती है, ये 1240 ग्रेविटी की, स्पेसिफिक ग्रेविटी जब 1240 होगा, 1240 होगा, उस टाइम में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी इज द मिनिमम, दैट इज फुल्ली फॉर योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर्पस। ये ग्राफ हम दिए थे यहाँ पे, दिस इज द ग्राफ ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ऐसे चलता है 1240 पे, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। जैसे जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी आप बढ़ाइएगा, मान लिया जाए यहाँ पे आपने 1160 रखा, 1160 पे इंटरनल रेजिस्टेंस इज हाई, वोल्टेज बिटवीन द पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल 1.8। एट 1240 इज द मिनिमम वोल्टेज बिटवीन पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल 2.25। एंड अगेन फिर अगर 1240 से आप ऊपर ग्रेविटी एक्सेस ओवर चार्जिंग करिएगा, देन अगेन इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और बैटरी डैमेज होगी। 1260 कर दिया आप, फिर वो घट के 1.80 हो जाएगा, दिस इज द ओवर चार्जिंग, बैटरी की ग्रेविटी बढ़ेगी। सो इंटरनल रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ में, इनके स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ में इंक्रीज करता, डिक्रीज करता है, एंड एट स्पेसिफिक